आज का जो प्रोग्राम है उसमें बिजनेसमैन पैनल की जिस तरीके से ECGB मेंबर्स पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिस तादाद में इकट्ठे हुए हैं, वो बिल्कुल उसमें यकीनी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3-4 साल में जनूबी पंजाब को जो मकाम दिया है, चेंबर्स को दिया है, एसोसिएशंस को दिया है, मैं समझता हूँ पहले तारीख में ऐसे नहीं था जो BMP ने इनको मकाम दिया है। 30 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे ग्रुप लीडर मियां अंजुम निसार साहब की और हमारी पूरी टीम की उसके हिसाब से इंशाल्लाह अज़ीज़ फतह का सूरज जो है वो लाजमी तुलू होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। आज हम मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्रीज़ के इंतखाबात के हवाले से बिजनेसमैन पैनल की जानिब से मुनाकिद किए जाने वाले सबसे बड़े पावर शो, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी का अब तक का सबसे बड़ा पावर शो था, जिसमें तमाम मुल्क से और बिलखसूस लाहौर से 54 में से 48 EC और GB मेम्बरान ने भरपूर अंदाज में शिरकत की, जिसके बाद लगता है कि बिजनेसमैन पैनल की 2/3 मेजोरिटी जो है क्लीन स्वीप जो है वो यकीनी बनता नज़र आ रहा है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, ट्रेड एसोसिएशंस और जो तमाम चेंबर्स हैं उनका सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल है ये, इसको इंतखाबी दंगल कहा जा सकता है क्योंकि तमाम पाकिस्तान के चेंबर्स, ट्रेड एसोसिएशंस मौजूद होती हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि नौजवान हैं, काबिल बिज़नेस लीडर हैं, तमाम मसाइल को हल करवाने की सलाहियत रखते हैं और पूरे मुल्क में विजिट्स करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के हवाले से इकदाम करते नज़र आते हैं। राना मोहम्मद सिद्दीक साहब जो कि साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेम्बर हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब माशाल्लाह जी, आप डाई हार्ट जो हैं वो बिजनेसमैन पैनल के साथ मौजूद हैं, शुरू से हमने आपको देखा, आपकी एक्टिविटीज़ को भी देखा जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आपने जो इकदाम किए उनको भी हमने देखा, काबिले तहसीन थे, काबिले कदर थे। मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं, बिजनेसमैन पैनल क्या करने जा रहा है, इलेक्शंस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें बिजनेसमैन पैनल की जिस तरीके से ECGB मेंबर्स पूरे पाकिस्तान से यहां पे इकट्ठे हुए हैं, उसमें जिस तादाद में इकट्ठे हुए हैं वो बिल्कुल उसमें यकीनी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसमें आपको ये बताऊं कि मुसलसल 3 दफ़ा इलेक्शन जीत कर वो इस बात का मज़हर है कि आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है ऑल पाकिस्तान की, वो हमारी क़ियादत पे मुकम्मल तौर पे एतमाद करती है। और जो पिछले 3-4 साल में जनूबी पंजाब को जो मकाम दिया है, चेंबर्स को दिया है, एसोसिएशंस को दिया है, मैं समझता हूँ पहले तारीख में ऐसे नहीं था जो BMP ने इनको मकाम दिया है। और मैं इसमें ये भी साथ आपको बताऊं कि 30 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से जिस तरीके से हमारी कारकर्दगी है हमारे ग्रुप लीडर मियां अंजुम निसार साहब की और हमारी पूरी टीम की उसके हिसाब से इंशाल्लाह अज़ीज़ 30 दिसंबर को हमारी फतह का सूरज जो है वो लाजमी तुलू होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो फतह का सूरज है लाजमी तो लोग, अब बिजनेसमैन पैनल जो है उन्होंने एक नए ट्रेंड सेट किए, बिज़नेस कम्युनिटी की हकीकी नुमाइंदगी की, जिसकी बदौलत बिजनेसमैन पैनल जो है वो सबसे पॉपुलर बिजनेस कम्युनिटी का ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है। उनका कहना है कि जो जितने भी मेम्बरान हैं, ECGB मेम्बरान हैं, उनका कहना है कि हमने जब भी बिजनेसमैन पैनल की क़यादत से राबता किया, उन्होंने अमली तौर पर, चूँकि कागज़ों की नज़र हमेशा मसाइल होते थे, रद्दी की टोकरी की नज़र होते थे, उन्होंने अमली तौर पर तमाम इदारों में जाकर, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में जाकर तमाम मसाइल को हल करवाया। ना सिर्फ मसाइल को हल करवाया बल्कि फेडरेशन के लिए और टैक्सेस के हवाले से हों, जो भी मसाइल हों उनके हल के हवाले से भरपूर इकदाम उठाए। तमाम ECGB मेम्बरान का कहना है कि एक बार फिर बिजनेसमैन पैनल को भरपूर कामयाबी दिलवाई जाएगी।